हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लक्ष्मीज किचन में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ डिलीशियस मसाला प्रॉन्स पुलाव की रेसिपी। मैंने इसे वन पॉट जो मील होता है उसके अंदर ही बनाया है, मतलब एक ही हंडी में मैंने इसे बनाया है। अलग अलग इसमें कुछ मैंने बनाया नहीं है। इसका मसाला बनाना भी बहुत ही ईजी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हंडी ली है, इसमें तेल डालेंगे। तेल आप अपनी पसंद के हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा। तेल को 2 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से फूलने के बाद मैं यहाँ पे 2-3 तेज़पत्ता डालूंगी। तेज़पत्ते से पुलाव में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, खुशबू आता है। 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। एक मिनट हो गया है, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट करके लिया है। प्याज को भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। प्याज अच्छे से हमारे भून गए हैं, थोड़े ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो मैं अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। इसे भी अच्छे से 2 मिनट के लिए प्याज के साथ भूनेंगे। जब तक इसका रॉ स्मेल चला नहीं जाता तब तक इसे भूनना है। प्याज और अदरक लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हल्दी डालेंगे। मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है यहाँ पे। उसे भी तेल के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे 1/2 मिनट के लिए। हल्दी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें मैंने 3-4 हरी मिर्च ली है, उसे मोटा मोटा काट लिया है बीच में से, और 1 चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे। इसे कुछ सेकंड के लिए हमें ऐसे भूनना है ताकि मसालों का कच्चापन ना लगे। अब इसमें मैंने 1 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, उसे अच्छे से कट करके लिया है। टमाटर को भी मसालों में अच्छे से भुनेंगे। जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको पकाना है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी ताकि टमाटर हमारे जल्दी से पक जाए। नमक की क्वांटिटी आप अपने अंदाजे से डालें, क्योंकि आपको पहले अंदाज़ा नमक समझ में नहीं आता है तो आप बाद में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना लिया है, उसे डालेंगे। पुदीना से बिरयानी हो या पुलाव हो उसके बिना टेस्ट अधूरा सा रह जाता है, और पुदीना से हमारी बिरयानी या पुलाव में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और फ्लेवर आता है। इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही मिक्स करेंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए कवर करके हम लोग अच्छे से पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे पूरी तरह से गल जाए। 5 मिनट हो गए, चेक करते हैं। आप देख सकते हैं तेल भी छूट गया है और टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है पुदीना की। मैंने यहाँ पे पहले से ही प्रॉन्स को साफ करके और धो के रखा था, उसे डालेंगे। मसालों में अच्छे से प्रॉन्स को मिक्स कर लेंगे। ये पुलाव आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया बनता है और बहुत ही इजी बनाना है इसे, और एक 1 स्टेप प्रोसेस है। अब मैंने यहाँ पे बिरयानी पुलाव का मसाला लिया है। आप चाहे तो कौन सा भी मसाला ले सकते हैं या गरम मसाला ले सकते हैं, बट बिरयानी का मसाला डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, थोड़ा सा बिरयानी का जैसा फ्लेवर आता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रॉन्स को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देना है। प्रॉन्स हमारे यहाँ पे हाफ कुक हो गए हैं, तेल भी छूट गया है, मसाला भी अच्छे से पक गया है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है अभी से। अब मैं यहाँ पे पेस्ट डालूंगी। ये पेस्ट मैंने प्याज और जो खोबरा होता है, कोकोनट होता है, उसको मैंने भून के बनाया है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है प्रॉन्स पुलाव में, और एक ग्रेवी भी बहुत बढ़िया बन जाती है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच दही लिया है। दही से बहुत ही बढ़िया खटास आती है। टमाटर तो हम लोगों ने डाला ही है, बट इससे भी बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और टेस्ट आती है। दही से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी मसाले और ग्रेवी हमारी मिक्स हो गई है, तो अब इसे 5 मिनट के लिए कवर करके पकाना है। 5 मिनट हो गए, आइए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा प्रॉन्स मसाला अच्छे से बनके रेडी है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, सभी मसाले पक गए हैं।
अब इसमें हम लोग धुले हुए चावल डालेंगे। ये चावल मैंने सादे चावल लिए हैं, इसे आधा घंटे धो के भिगो के रखा था। आप चाहे तो बासमती चावल भी ले सकते हैं, उससे भी बढ़िया पुलाव बनता है। चावल को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में। मैंने पहले से साइड में पानी गर्म कर रखा था, वो गर्म पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। मिक्स कर लेंगे। पानी की क्वांटिटी मैंने एडजस्ट कर ली है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए कवर करके पकाना है हाई फ्लेम पे, जब तक कि बॉईल ना हो जाए। आइए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं पानी हमारा सूख गया है, थोड़ा सा पानी बचा है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस फ्लेम अभी हमें स्लो करना है, ताकि धीरे धीरे हमें इसे पकाना है, ताकि चावल हमारा अच्छे से फूल जाए। अभी जो बचा हुआ बिरयानी मसाला था वो मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गर्म पानी डालने से चावल हमारा अच्छे से फूलता है और जल्दी उबल जाता है। गैस फ्लेम मैंने स्लो रखा है, इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ताकि पानी हमारा जो है सूख जाए और चावल हमारा अच्छे से फूल जाए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया था, इसलिए मैं इसे अनकवर ही रखती हूँ। 10 मिनट बाद देख सकते हैं हमारा पुलाव यहाँ पे रेडी है, पानी बहुत बढ़िया सूख गया है। तो यहाँ पे तैयार है हमारी डिलीशियस प्रॉन मसाला पुलाव। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको मेरी नई रेसिपी के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।